नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार के सरकारी स्कूलों के हालात की। कल ही हमने आपको बताया था कि पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को अभी तक निःशुल्क मिलने वाली किताबों का वितरण तक नहीं हुआ। किताबें छपते और बढ़ते शायद अर्धवार्षिक परीक्षा भी निकल जाए। ऐसे में बिहार का भविष्य क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम आपको बिहार के सरकारी स्कूलों के हालात की एक और बानगी दिखाएंगे, पटना के करबिगहिया के मध्य स्कूल के हालात, और उस पर आपकी राय भी लेंगे। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों की सरकारी स्कूल का हाल खस्ता है। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की बात तो दूर, यहां सफाई भी नहीं होती। आप खुद देखिए क्या हालात है। पटना के करबिगहिया बालक मध्य विद्यालय का बुरा हाल है। चारों तरफ गंदगी है और बुनियादी सुविधाओं का टोटा लगा है। क्लासरूम में दरवाजा तो है लेकिन खिड़कियां गायब है। दीवारें हो या क्लास की छत, सभी की हालत जर्जर हो चुकी है। बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय में शौचालय तक की सुविधा नहीं है। तीन क्लास चलते हैं। तीन क्लास, कौन कौन क्लास है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अभी कितने बच्चे हैं? अभी तो 10 को हैं। एक बच्चा बाहर भागल हो गए, बाथरूम गए। तो कैसे पढ़ाते होंगे जब तीन क्लास है, तीनों का अलग अलग सिलेबस होगा? तो टीचर की कमी है, क्लासरूम की कमी नहीं है? नहीं, क्लासरूम की तो कमी नहीं है। स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनता है, वो भी प्राचार्य कार्यालय में। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम है लेकिन खाना 64 बच्चों के लिए बनता है। ऑफिस में ही भोजन बनता है? जगह का कमी है। अच्छा, तो यहाँ कितने शिक्षक हैं? अभी तो पांच बता रहा है। पांच है। कितने क्लास में भी कितने हैं? तो बना हुआ है। क्लास में 64 नहीं लग रहे हैं सर? कुछ का अंतर नहीं है सर, बहुत ज्यादा का अंतर। ये तो एक विद्यालय का उदाहरण है जहाँ की हालत बदतर हो चुकी है। लेकिन जब राजधानी के विद्यालयों की ऐसी हालत है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य जिलों में स्कूलों का क्या हाल होगा। न्यूज इंडिया के लिए पटना से शशिकांत की रिपोर्ट। तो ये एक स्कूल भवन था। भवन देखकर लगता नहीं कि वहां कोई जाने की हिम्मत भी करेगा, पर बिहार के नौनिहाल हैं जो वहां अपना भविष्य सवारने हर दिन पहुंच रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सरकार के नाक के नीचे, जी हाँ, राजधानी में ये सरकारी स्कूल है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था, ये स्कूल की ही तस्वीर है, इसे खंडहर समझने की भूल ना करें। रंजीत प्रसाद एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे रिमांड की बिहार की जो शिक्षा परिस्थिति की व्यवस्था हमारा देश है, इसलिए सरकार गुनेगार है। 70 वर्षों की आजादी के बाद ही आज भी गरीब गुरबा के बच्चे को इस तरह की हालात से जीना पड़ रहा है। न शिक्षा का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। बारिश है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो बारिश नहीं है। इस तरह से अब जो खाना होना सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है वो भी बहुत ही निम्न स्तर का होता है। और बहुत मान लीजिए 100 बच्चे पहुंचे हैं जिसमें 50 बच्चों का खाना बनता है, उसी में थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। कुछ बच्चों को तो मिल ही नहीं पाता है, उसमें बंदर बात रहता है, जो बनाने वाले हैं वो कुछ चुरा लेते हैं, कुछ शिक्षक अधिक चुराते हैं। इसलिए कि वो जो व्यवस्था का ऊपर तक बढ़ता है, ये जिला शिक्षा अधीक्षक तक पैसा बढ़ता है। झारखंड में अभी कुछ कमी आई है क्योंकि शिक्षा के मामले में झारखंड सरकार कुछ जोर शोर लगाई हुई है, लेकिन यहाँ भी 50% इस तरह की व्यवस्था व्याप्त है।
अगर सुधार करना है सरकारी शिक्षा पद्धति और सरकारी शिक्षकों की जो नियमावली है, जो तजवी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर जो लौटे हुए हैं उनको वेतन की कमी है। अब बोलते हैं कि बढ़िया से काम करो तो कहाँ से कर पाएंगे। और जो बेसिक शिक्षा का जो बैचलर का होना चाहिए, प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है क्योंकि शिक्षक तो पारा टीचर है। किसी तरह से बिहार की स्थिति तो यह है कि शिक्षकों को तो लिखना ही नहीं आता है कुछ, है ना। बिल्कुल, तमाम तरह की समस्याएं हैं लेकिन शायद सरकार को ये समस्याएं नहीं दिखती। धन्यवाद रंजीत जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, ये हाल है स्कूलों का, जो स्कूल कम और खंडहर ज़्यादा लगते हैं, कोई यहाँ जाने की हिम्मत न जुटाए, लेकिन बिहार के नौनिहाल हैं जो इन स्कूलों में हर दिन पहुँचते हैं और पढ़ाई करते हैं। बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके लिए मध्याह्न भोजन भी बनाया जाता है, लेकिन बच्चों की संख्या जितनी रजिस्टर में दर्ज है, मध्याह्न भोजन उतने बच्चों का बनता है, कक्षाओं में उसके एक चौथाई संख्या में ही बच्चे नजर आते हैं। पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मंगल चौधरी एक दर्शक बंगाल से जुड़े हुए हैं। जी मंगल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बोले आपका सरकार व्यवस्था क्या कर रहा है, स्कूल में छत नहीं है, स्कूल का कार्यालय रूम अच्छा नहीं है जी, सरकार का क्या आँख नहीं दिखता नहीं है क्या, पैसा खा ले रहा है क्या? हेलो, यही विडंबना है मंगल जी, पता नहीं सरकार को दिखता नहीं या सरकार अनदेखी किए हुए है। तो कचरा का डब्बा वहीं पर गिरा हुआ है। सॉरी, मेरे को माने हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, बंगाल से बोल रहे हैं जी जी, इसलिए अटक जा रहा है। कोई बात नहीं, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, इस स्थिति को देखकर आप भी चिंतित हैं जाहिर तौर पर। धन्यवाद मंगल जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वीरेंद्र प्रसाद सासाराम से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भवन वगैरह तो जो है वो तो है ही, लेकिन अभी तक विद्यालय में बच्चों को किताब जो है, जो पढ़ने का जो मूल चीज है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जी। तो सरकार को किताब जो उपलब्ध करा देनी चाहिए था अप्रैल में स्टार्टिंग, तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके कारण आप समझिए कि जो आज कम्पिटिटिव युग है बच्चों का, वो तो संभव नहीं है। और शिक्षक भी क्या पढ़ाएंगे, शिक्षक को आप कहेंगे कि पढ़ाई और किताब उपलब्ध ही नहीं है स्कूल में, तो पढ़ाएंगे क्या? तो पहले तो किताब उपलब्ध कराया जाए सरकार की तरफ से जी, ये हमारा ये कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद वीरेंद्र जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राम बाबू एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी राम बाबू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? राम बाबू जी बोलिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
खंडहर नहीं, ये सरकारी स्कूल है। राम बाबू पटना से दर्शक जुड़े हुए हैं। जी राम बाबू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी, बोलिए। ये कह रहे हैं सर कि देखिए, यहाँ बिहार जो है ना, बिल्कुल कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य नाम का या जितने भी सारे सरकारी जो भी है मैंने तंत्र विफल हो चुका है। इसमें आप बार बार दिखाते हैं, कई बार तो मुद्दा एक ऐसा दिखाए हैं जो भी मैंने दिखाते हैं। हेलो जी, सुन रहे हैं? हाँ, तो मैंने सब ये फेल हो चुका है, तो इसके तंत्र को जिम्मेवार कौन है? जो बड़े बड़े मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जो सारे चीज को चलाते हैं या अफसर हैं, इसमें तो उन्हीं का है जो मैंने सारे विद्यालय का लेख लिया कुछ जी। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुरेंद्र एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना है सर, जो आप टीवी पर दिखा रहे हैं इसमें तो ये सारा अभी ये सरकार का ये अभी होना चाहिए ना, ये सरकार को कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं जी। ये सरकार बहुत सारे स्कूल में है, जो बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी टीचर लोग जो है ठीक से पढ़ाते ही नहीं है और आखिर करते ही नहीं है। तो ये तो सरकार का ध्यान देना चाहिए, बच्चे लोग काफी बहुत है, बच्चे लोग है पढ़ने के लिए जाता है और टीचर लोग है कभी पैर बैठ करके कर रही है, कभी कुछ करती है, जब बोला जाता है झूठ मूठ के बच्चे ही लोग को मारा जाता है। ये तो सरकार तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, खाली नीतीश बाबू खाली यहाँ जो दारू के चक्कर में ही है और यहाँ कुछ है नहीं। श्री चंद्रा स्कूल यहाँ कुर्जी बालू पर है, उसमें तो हमेशा बच्चा लोग ऐसी रहता है, इस पर सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जी। धन्यवाद सुरेंद्र जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उपेंद्र एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना यही है सर कि बिहार के भविष्य का क्या होगा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बिहार में मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार, चाहे वो किसी भी जाति समाज से आता हो, उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, सवाल बिहार में ये पैदा हो रहा है जी। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप दिखाते हैं, वो सिस्टम में बैठे लोग, नेता अभिनेता, उसमें सरकारी काम करने वाले चपरासी से लेके कलेक्टर तक नहीं जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम जानते हैं, आप जान रहे हैं, वो लोग नहीं जान रहा है, सारे लोग जानते हैं। सब है कि उसके पीछे उन लोगों का मकसद एक ही है और ये सारा चीज के पीछे कुछ सारे प्राइवेट स्कूल वाले, मैंने ऐसे घिनौना मानसिकता वाले लोग का ये देन है कि ये स्थिति जब से देश आजाद हुआ है, ये इतिहास है हिंदुस्तान का ना सर, कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया, ये इतिहास है मानसिकता का। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, जिसका परिणाम है कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया। उसी तरह से ये सारी व्यवस्था जानबूझ के सोची समझी रणनीति के साथ, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। लाख आप दिखा लीजिए, लाख लाख मैं चिल्लाता रहूं, हमारे जैसे लोग बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के शिक्षा मंत्री भी शायद आपकी बातें सुन रहे हो। धन्यवाद उपेंद्र जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रंजीत एक दर्शक समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? रंजीत जी बोलिए। हाँ हेलो सर जी, बोलिए। नमस्कार, न्यूज इंडिया को। नमस्कार, बोलिए। सर, जब से शिक्षा मंत्री कांग्रेस का बना है तब से बिहार का और भी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है, पूरी
बुरा स्थिति और बुरा हाल हो गया। इंटर का रिजल्ट हो, मैट्रिक का रिजल्ट हो, जितना भी देख रहे हैं, और स्कूल का भी हालत पूरा खस्ता हो गया। बुरी, बहुत बुरा स्थिति है। इससे पहले भी स्थिति से बल्कि कुछ सुधार हुआ था, लेकिन काफी सब कुछ चौपट हो चुका है। धन्यवाद रंजीत जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था, ये तस्वीरें स्कूल की है, इन्हें खंडहर समझने की भूल ना करें। अजीत भूषण पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी अजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आप तो मिडिल स्कूल को दिखा रहे हैं, प्राइमरी लेवल के स्कूलों को दिखा रहे हैं स्थिति में। पटना की स्कूलों की जो प्लस टू स्कूल है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक स्कूल है, मेरा यह कहना है जी, कि एक पटना का एक स्कूल है, वो प्लस टू स्कूल है, प्लस टू आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलंगा है, जिसकी स्थिति यह है कि न बैठने की टीचर की व्यवस्था है, टाइम टू टाइम शटर उड़ जाता है, ना ही बच्चों खेलने की व्यवस्था है। सिस्टम इतना उसको अनदेखा कर दिया है उस स्कूल को कि आप समझ नहीं सकते हैं कि किस रूप में टीचर पढ़ाता होगा। करकट है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा बिल्डिंग है जिस चीज पर बैठते हैं और कुछ व्यवस्था ही नहीं है जी। धन्यवाद अजीत भूषण जी, अपने आसपास के स्कूल का हाल बयां करने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर से एक दर्शक सलीम जुड़े हुए हैं। जी सलीम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? और जहां स्कूल की अभी दिखाई जा रही है जी, उसके बारे में पूछेंगे कि ये कहाँ का स्कूल है। शिक्षा के बारे में बहुत सुधार हुई है, आप देख रहे हैं कि जो गलत किए हैं उनको जेल भेजा गया, सब कुछ पर ये लगाम लगी है पहले से, और बेहतर हो गया, जो कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। सरकार के तरफ से ये पूरा कदम उठाया गया और भविष्य में कोई ऐसा गलती नहीं हो। भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया में सड़क टूटा हुआ नहीं है, मीडिया में दिखाते हैं कि सड़क पूरा जर्जर है, दूसरा जगह का बंगाल का सड़क लेके बिहार में, दूसरा बंगाल के स्कूल को लेके बिहार में कुछ मीडिया के लोग दिखाते हैं, ऐसा भी हो रहा है। भाई शिक्षा में तो सुधार बहुत भी है जी। सलीम जी, आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छी बात है, धन्यवाद सलीम जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ है जुड़ सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। दुर्गेश एक दर्शक मुंगेर से जुड़े हुए हैं। जी दुर्गेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत बधाई हो जी, उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में समस्याओं को दिखाया है जी। और मुझे लग रहा है कि जब राजधानी के विश्वविद्यालय की यह स्थिति है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रखंड के और भी कितने उनके विद्यालय क्या होगी जी। बिल्कुल,
धन्यवाद दुर्गेश जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। निरंजन एक दर्शक जमालपुर से जुड़े हुए हैं। जी निरंजन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये कहना चाह रहे सर वहाँ के आपको विधायक जो सुशील कुमार मोदी जी है वो भी तो स्कूल को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन है क्या वो लोग सिर्फ जो है कूटनीति करने में लगे हुए हैं, राजनीति तो वो लोग करते नहीं है। धन्यवाद निरंजन जी अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आदित्य एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी आदित्य जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ज्योति एक दर्शक पटना से जुड़ी हुई है। जी ज्योति जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ज्योति जी बोलिए। हाँ सर, हम बोलना चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा पे जी मतलब वैकेंसी बिहार में कितने युवा लोग पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर की बहाली कितना होती है उसके, और क्या इसमें डिमांड रख दिया गया है कि बीएड अनिवार्य है, तो जो नेट जे आई और ए पी जी किए हुए है और गरीब है, गरीब कोटे का इंसान है, तब तो वो बीएड पैसा लगा के करेगा। दर्शकों से आग्रह है कि जब हमारे साथ जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट पहुंच सके। कुमारेश एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी कुमारेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार। नमस्कार। बिहार का रिजल्ट जो मैट्रिक आया वो तो हम लोग सब जानते हैं किस तरह बच्चों का रिजल्ट हुआ और इंटर का भी रिजल्ट हमने देख लिया। ये प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति है और शिक्षक नियुक्ति जो विश्वविद्यालय में भी अभी तक नहीं हुई है। नीतीश जी बोले थे कि विश्वविद्यालय में हम विश्वविद्यालय आयोग का गठन करें, जो अब तक गठन नहीं हो चुका, नहीं हुआ। ये अपने आप में दिखाता है किस तरह बिहार 10 साल पीछे जा रहा है। आप कुछ नहीं कहेंगे? धन्यवाद कुमारेश जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सूरज एक दर्शक दरभंगा से जुड़े हुए हैं। जी सूरज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी बोलिए। भारत स्वतंत्र हुआ, गांधी जी सोचते थे स्वतंत्र हो गए तो लोग में परिवर्तन होगा, शिक्षा में बदलाव होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए कि स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज गए और कुछ ऐसे तबके के लोग आ गए जो जिनका सोच ऐसे हो गया कि छोटे छोटे तबके का लोग आगे नहीं बढ़े और उन्हीं लोगों का विद्यालय में बहाली था और कुछ बाद में परिवर्तन भी हुआ। बहाली होने के बाद तो उन्होंने भी ऐसे समाज को बाध्य करके शिक्षा से मोड़ते थे, अपने छोटे वर्गों को लोगों को प्रचारित करके उनको दबा देते थे बोलने से पढ़ाने से। इसीलिए देश की बिहार की स्थिति गड़बड़ हो गई है। जैसे हमारे एक दर्शक ने बोले थे कि एकलव्य वाली बात, सेम टू सेम यही बात है कि लोग को आगे बढ़ने में कुछ अंग्रेज
की तरह लोग इस देश में है जो बढ़ने नहीं देते। धन्यवाद सूरज जी अपनी बात साझा करने के लिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।